बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ाहिद इम्तियाज़। स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 17 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं वो हम देखेंगे, वो किस तरह हमें ड्रा करने हैं। वो एंगल कौन से हैं उसमें हम 60 को देखेंगे, 60 एंगल को किस तरह ड्रा करें हैं, 30 को किस तरह ड्रा करने हैं, 45 को किस तरह ड्रा करने हैं, 75 को किस तरह ड्रा करने हैं, ये हमें देखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एंगल 60 को देखते हैं, हमने 60 एंगल को किस तरह ड्रा करना है। स्टूडेंट, 60 को ड्रा करने से पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है। तो स्टूडेंट, मैंने स्केल की मदद से ये लाइन लगा ली, लाइन सेगमेंट ए बी लगा ली, ये पहला स्टेप हो गया। स्टूडेंट, पहले हम 60 ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस लाइन के टू पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर वो कहता है एंगल ए, इसका मतलब क्या है, ये एंगल का साइन है, इसका मतलब जो एंगल है वो ए पर ड्रॉ करना है। एंगल ए इज इक्वल टू 60, इसका मतलब आपने एंगल ए पर ड्रा करना है, तो एंगल को हम ए पर ड्रा करेंगे। एंगल बी, अगर वो कहता है एंगल बी इज इक्वल टू 60, इसका मतलब आपने एंगल को कहां पर ड्रा करना है, 60 के ऊपर ड्रा करना है, बी के ऊपर ड्रा करना है। तो एंगल को कहां पर ड्रा करेंगे, बी के ऊपर ड्रा करेंगे। ये आपने इसके बाद कंपास को ओपन करना है, ना इतनी ज्यादा कंपास ओपन करनी, ना इतनी कम, नॉर्मल सी कंपास को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए पर प्लेस करेंगे, उसकी जो नोक है उसको नीडल पॉइंट कहते हैं, उसको हम इधर नीडल पॉइंट इधर नोक इधर प्लेस करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। स्टूडेंट, मैंने इसको इधर प्लेस किया और एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब ये 0 degree है, यहाँ पर सभी सर्कल इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट, ये सारे सभी सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, इज इक्वल टू 180। यहाँ पर ये लाइन को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आपने उसको प्लेस करना है कंपास के नीडल को और एक लाइन आपने ड्रा करनी है, ठीक है। और जितनी पहले उसको आपने चेंज नहीं करना, याद रहे जो कंपास का जो साइज है, ड्यूरिंग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ वन एंगल डोंट चेंज साइज ऑफ कंपास, कंपास के साइज को आपने चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर रखकर आपने एक कंपास लाइन एक कट करना है, जहां पे कट करेगा वहां पर गिफ ये जो कट है ये कट 60 के ऊपर होगा, तो आपने इसको ये बुला लेना है। स्टूडेंट, इस तरह में जो 60 एंगल है वो ड्रा कर लेंगे। जा रहे इस लाइन इस कट के ऊपर ही आपने लाइन ड्रा करनी है, तो ये मैंने 60 एंगल ड्रा कर दिया। स्टूडेंट, इसके बाद हम जो 30 एंगल है उसको ड्रा करेंगे। 30 एंगल को किस तरह ड्रा करेंगे, स्टूडेंट 30 एंगल ड्रा करने के लिए मुझे 60 की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं 60 को तो हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो 60 डिग्री 30 को ड्रा करने के लिए मुझे पहले 60 की हेल्प लेनी पड़ेगी, पहले मुझे 60 ड्रा करना पड़ेगा और 60 को मैं हाफ करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज ड्रा द लाइन सेगमेंट ए, लाइन सेगमेंट ए भी ड्रा कर लिया। सेकंड, नीडल पॉइंट ये रखेंगे, एक सेमी सर्कल आप ड्रा कर देंगे। सेकंड पॉइंट, पहले मुझे 60 ड्रा करना है, मैंने इसको इधर रखा, कंपास को इधर रखकर कंपास की नीडल पॉइंट इधर प्लेस करेंगे 1 point, ठीक है। स्टूडेंट, ये 60 मैंने ड्रा कर लिया। स्टूडेंट, हम 60 को ड्रा नहीं कर रहे, ड्रा तो हमें 30 को करना है, लेकिन हेल्प कहाँ से ले रहे हैं, 60 से। इस वजह से 60 को हम
डॉटेड लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 30 को ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पर रखकर 60 को हाफ करेंगे। हाफ कैसे करेंगे, जीरो पर यहां पर आकर आपने एक आर्क लगानी है और ये 60 है, इधर प्लेस करके आपने एक आर्क लगानी है। यहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी, वहां से आपने लाइन लगा देनी है। तो इस तरीके से लाइन फर्स्ट आर्क और ये सेकंड आर्क, तो ये मेरे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री बन लेगा। स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे 45 का एंगल। स्टूडेंट 45 एंगल कैसे ड्रा करेंगे, 45 एंगल ड्रा करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी 90 की। 90 को आप हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 45 बनेगा, ठीक है। और 90 कैसे ड्रा होगा, 90 ड्रा करने के लिए आपको दो एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, 60 की और 120 की। 60 भी ड्रा करना पड़ेगा, 120 भी ड्रा करना पड़ेगा और इनको हाफ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके क्या है, 60 ड्रा करना, सेकंड क्या है, 120 ड्रा करना, इन दोनों का हाफ करेंगे 90 बनेगा और 90 का हाफ करेंगे क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली। सेकंड क्या है, आपने जो मीडियम पॉइंट है उसको इधर रखना है और स्टूडेंट के सभी सर्कल आपने ड्रा कर देने हैं, एक सभी सर्कल मैंने ड्रा जी। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, हमने कंपास इधर प्लेस करना है, इधर प्लेस करके फर्स्ट कट, स्टूडेंट फर्स्ट कट इज इक्वल टू 60, फिर इधर प्लेस करेंगे सेकंड कट, सेकंड कट भी इज इक्वल टू 60 है, 60 यहां पे 60 एंगल है, फिर 60 और ऐड कर देंगे तो यहां पर एंगल क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। 60 भी बन गया और 120 भी, इन दोनों का क्या करेंगे, हाफ, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 90। 60 और 120 का हाफ कैसे बन करना है, आपने कंपास लेकर इसके 60 के ऊपर प्लेस करना है, एक कट इधर प्लेस करना है, ये सेकंड कट, या भी एक दूसरे को ये कट करें, वहां पर आपने क्या करना है, लाइन लगा देनी है। जो 60 एंगल है, 90 एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो मेरे पास कंपास नहीं है, इस वजह से इधर कट और इधर कट, तो ये मेरे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट हम 90 को ड्रा नहीं कर रहे, ड्रा हमने 45 को करना है, इस वजह से 90 को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। 90 को आप डॉटेड लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरे पास 90 आ गया, 90 ड्रा हो चुका है। 90 को क्या करना है, आपने हाफ, 90 को हाफ कैसे करेंगे, स्टूडेंट यहां पर 90 है, यहां पर 90 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहां पर 0 है, तो 90 और 0 की आप 0 पर आकर आपने एक कट करना है और इस 90 को प्लेस कर एक कट करना है, जहां पर एक दूसरे कट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, 45 का एंगल बन गया। स्टूडेंट इस तरह ये मैंने 45 का एंगल ड्रा कर लिया, इस तरह 45 का एंगल ड्रा कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट एंगल रह गया है स्टूडेंट, लास्ट जो एंगल है वो 75 का जी। 75 को हम कैसे ड्रा करेंगे, 75 कैसे ड्रा होता है, 90 प्लस 60,
इज इक्वल टू 150, ठीक है, और 150 को हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉ 90 एंगल, देन 90 और 60 को वैसे ही ड्रा हो जाएगा, हमें सबसे मेन चीज जो है वो 90 को हमने ड्रा करना है, ठीक है, और 90 और 60 90 ड्रा करना पड़ेगा और 60 ड्रा करना पड़ेगा, इनको ड्रा करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज लाइन सेगमेंट एबी, ठीक है, ये कंपास को नॉर्मल साइज की कंपास ओपन करेंगे और इस पॉइंट पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। जी मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है, उसके बाद जी 0 degree है जहां पर आपने कंपास को रखने हैं और कट करने हैं, दैट इज इक्वल टू 60, लेकिन हमें 90 चाहिए और 90 कैसे बनता है वो आपको पता ही है। फिर यहां पर प्लेस करके एक ही रेखा, ठीक है जी, 90 इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60 पर रखकर एक कट करेंगे, 120 पर रखकर एक कट करेंगे, 60 पर रखकर 60 पर प्लेस करके मैंने एक कट किया और 120 पर रखकर मैंने कट किया, तो ये मेरे पास 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 90 एंगल मेरे पास बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें जी 90 एंगल चाहिए, वैसे हमें इसकी हेल्प चाहिए, तो इसके लिए इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आप 90 एंगल ट्राई करें कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जी 90 एंगल मैंने बना लिया। मैंने आगे 90 और 60 मेरे पास बन चुके हैं, नाइन्टी और 60 की हाफ करना है, ये 90 है और ये 60 है, 90 पर रखकर एक कट किया, 60 पर रखकर एक कट किया और 90 पर रखकर एक कट करेंगे, यहां पर कट करेंगे वहां पर जो एंगल होगा वो 75 का होगा। स्टूडेंट इस तरह हमने एंगल्स को ड्रा कर लिए हैं और इन एंगल्स को आप प्रोट्रैक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने रफ कॉपी पर, नेट पर नहीं, इन रफ कॉपी पर इन एंगल्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपने 60, 30 और 45 और 75 को आपने ड्रा करना है। इन एंगल की आपने इसमें से हमने ये इनको एडवाइस किया है, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइजें आएंगी चैप्टर 17 की उनमें इनका यूज है। अल्लाह हाफिज़।